नाज़रीन दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज कैनेडा उर्दू एसोसिएशन ने एक मीटिंग का इनेकाद किया। यहाँ पे डॉक्टर अज़रा ज़ारा आई थी अमेरिका से और उनके साथ बहुत अच्छी मीटिंग रही। तो उस मीटिंग का और उसमें उनकी गालिब की शायरी, उस पर रिसर्च और दूसरे शुरा पर रिसर्च और उनकी शायरी पर बहुत ज़्यादा इल्म व हुनर की बातें हुई, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे और बल्किस की रिकॉर्डिंग और कवरेज आपको दिखाएंगे। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। डॉक्टर अज़रा रज़ा साहिबा, मैं आपको कैनेडा उर्दू एसोसिएशन की जानिब से बहुत बहुत खुश आमदेद कहता हूँ। और अगर आप कैनेडा में पहली दफ़ा आई हैं तो मैं कैनेडा में आने की खुश आमदेद कहता हूँ। अच्छा, मैं मेरे पास ये सेल फोन पे लिख के दिया है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं लिखा हुआ पढ़ता हूँ कागज़ पे। तो लेकिन बहरहाल कैनेडा उर्दू एसोसिएशन की जानिब से आप सब लोगों का शुक्रिया जो आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपकी शिरकत हमारे लिए बायस इफ्तखार है और हमें उम्मीद है आप इस प्रोग्राम से खूब लुत्फ़अंदोज़ होंगे। कैनेडा उर्दू एसोसिएशन के एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है जो आप सब कदरदानों के तावुन और सरपरस्ती के साथ उर्दू ज़ुबान और अदब की तरवीज और फ़रोग़ के लिए काम करती है। आज का प्रोग्राम मुनफरिद है और मुझे यकीन है मेरे और आप सब के लिए एक खुशगवार तजुर्बे का एहसास लिए होगा। डॉक्टर अज़रा रज़ा एक मशहूर ऑनकोलॉजिस्ट, मुहक्क़िक़ और मुसन्निफ़ हैं जो सरतान यानी कैंसर के इलाज और तहक़ीक़ के मैदान में नुमाया हैं।
नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। वो पाकिस्तान में पैदा हुई और बाद में अमेरिका मुंतकिल हो गई, जहां उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और मेडिकल के शोबे में खिदमात अंजाम देना शुरू की। डॉक्टर अज़रा रज़ा यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में मेडिसिन की प्रोफेसर हैं और माइलोडिसप्लास्टिक सिंड्रोम्स MDS के इलाज पर तहकीक करती हैं। उनका काम सरतान के इब्तदाई मराहिल की तशखीस और इलाज पर मरकूज़ है। वो चाहती हैं कि सरतान के इलाज में ज़्यादा इंसानी तरीक़े अपनाए जाएं ताकि मरीजों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने अपने तजुर्बात और तहकीक को बयान करने के लिए एक किताब भी लिखी है जिसका नाम द फर्स्ट सेल एंड द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ परसुइंग कैंसर टू द लास्ट है। ये मैंने नाम सही पढ़ा? इस किताब में उन्होंने कैंसर के इलाज के मौजूदा तरीक़ों पर तनकीद की है और ज़्यादा मौसर और इंसानी इलाज के तरीक़े अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। डॉक्टर अज़रा रज़ा का काम न सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी बल्कि आम लोगों में भी बड़े पैमाने पर सराहा गया है और वो एक मुतासिर कुन शख्सियत के तौर पर जानी जाती। डॉक्टर अज़रा रज़ा की आवाज़ में एक ख़ास तासीर है जो सामईन को मशहूर कर देती है। अंदाज़ बयां में उनकी महारत बेमिसाल है। वो नहायत खूबसूरती से गालिब को पढ़ती हैं जिससे लगता है कि गालिब के अल्फाज की तासीर और भी बढ़ती जाती है। उनकी आवाज़ में न सिर्फ जज्बा और वलवला होता है बल्कि वो सामईन को अपने साथ बांध सी लेती। आइए मेरा साथ दीजिए कैनेडा उर्दू एसोसिएशन की मोजिज़ मेहमान का इस्तकबाल करने में। और ये लाइन जो लिखी है ये हो चुकी है, इसमें लिखा है तशरीफ लाती है मोहतरमा डॉक्टर अज़रा रज़ा। और उनका साथ देंगी कनाडा उर्दू एसोसिएशन की मौजूदा बोर्ड मेंबर मोहतरमा फरजाना आलम साहिबा। और एक चीज मैं और बताता चलूं, कि ई बुक है जिसका नाम है Epistemologies of Elegance, जो कि 21 गज़लों का, गालिब की 21 गज़लों की शरह है। इसे आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, इंटरनेट पे अवेलेबल है। और फरजाना साहिबा का मैं ये बता दूं कि ये कैनेडा उर्दू एसोसिएशन की बोर्ड मेंबर हैं, रुकन हैं, और हमारी कम्युनिटी में भी काफ़ी उनका अमल दखल है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि शायरी और अदब उनके घर में बसते हैं। और इसके साथ मैं फरजाना आलम साहिबा को माइक देता हूं ताकि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया आपका, बेइंतहा शुक्रिया अज़रा आपा यहां आने का, ख़ास तौर पर हमारे लिए वक्त निकालने का, और आपका बहुत इंतज़ार था। आपने हमारी लास्ट ईयर में इनसे मिली थी वैंकूवर में और उन्होंने वादा किया था कि मैं आप लोगों के पास फिर से ज़रूर आऊँगी, और ये जा रही थी किलोना लेकिन इन्होंने फ़ोन किया और कहा कि मैं रास्ते में वैंकूवर रुक सकती हूँ। तो आपका बेइंतहा शुक्रिया, इमेंसली ग्रेटफुल टू यू। अज़रा आपा, आपका शायरी से इश्क छुपाए नहीं छुपता। जितना हम आपकी तशरीह को इंजॉय करते हैं इतना ही आपके ख़ुद महजूज होने को, योर पैशन, योर एंथुजियाज़म, द जॉय दैट यू टेक इन एक्सप्लेनिंग अ शेर, ये इन्फेक्शस है। तो ये बताइए कि ये इश्क कैसे शुरू हुआ और कब? कुछ काम थे अपनी मर्जी के, कुछ काम फ़कत मजबूरी थे, और वक्त बहुत ही थोड़ा था और सारे काम ज़रूरी थे। उर्दू एसोसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इज़्ज़त बख्शी, और ख़ास कर तिलत और फारूक जो हमें यहाँ लेके आए, और फरजाना आपकी मेहमानदारी, बहुत शुक्रिया, मेहमान नवाजी। एक शायर था गालिब, बाकी शायर हैं गालिबन। So when I came to the US, I was pretty young because I just graduated from medical school. And I thought to myself that I have such a deep passion for Urdu because of the family I come from. And the only way to truly understand Urdu would be if I could learn to understand what Ghalib is saying.
And that's how my love for Ghalib really started, because I had the love built into my DNA by my parents. My father's from Lucknow, my mother's from Aligarh. And when they moved to Karachi on 14th August 1947, that day they landed at 5 p.m. in Karachi. And they developed the immigrants' anxiety, because they had come from 1,000 years of nuanced courtesy culture of Lucknow and Aligarh. And now they had landed in a new country where they felt like in the middle of the desert. And so their concern was that how are they going to pass on their tradition, especially that of the language, which is so gorgeous, to their children. So first of all, they both love poetry on their own. And second, this anxiety, we the children became the beneficiaries of their immigrants' anxiety. As a result, there was no television or anything, of course. So the games that were played were encouraged in Sher o Shairi. And my mother was a big Ghalib fan always. And they would put up dramas, and my mom always acted herself as Mirza Ghalib. So it was very sweet. She put on a, you know, that whole cap thing. And those were the kinds of things that you never forget. So I would say that my love was inherited. It was in my blood. It was in my genes. And then the clever thing they did is that they made us memorize a lot of Ghalib. And of course, the other asatiza, but especially Ghalib. And they knew that if our children, when they grow up and actually understand a sher, they will have no excuse not to fall completely in love with it themselves. And so that's what I decided to do. In 1982 or 83, I was living in Buffalo, and I started something called Urdu Mehfil, where just three of us would get together, and I would put 11 sharas around me that I had brought from Karachi, 11 sharas of Ghalib. And we would just read one ghazal a week. And for the next 20 years, I read Diwan twice with the help of the two sharas completely. And it wasn't somebody drafting me. It's just the poetry is so beautiful that you have no escape but to fall madly in love. First of all, the beauty of an Urdu ghazal is that each sher is a poem by itself. The sher doesn't have to be corrected with the preceding or the following sher at all. Each is a freestanding ghazal, except the three or four ghazal-e-musalsal jo hain, unke alawa. And so in two lines, which is 25 words or less, you have to be able to give the entire meaning, and each sher is going to be different. So I think that concept doesn't exist, in English at least. And I love English poetry, don't get me wrong, it's very profound also. You know, I'm a physician, I'm an oncologist, one of my jobs is always giving bad news to patients because I'm treating cancer patients. So let me just quote a little thing by Emily Dickinson. Tell all the truth. Meaning, when I have to talk to patients, I can't make up things. You have to tell the whole truth. So the first line is beautiful. Tell all the truth, but tell it slant. Success in circuit lies. Too bright for our infirm delight, the truth's superb surprise. Tu dost kisi ka bhi sitamgar na hua tha. Auron pe hai wo zulm jo mujh pe na hua tha. Chuta mahe nakshab ki tarha daste qaza se khurshid hanoz uske barabar na hua tha. And then he comes to this sher. Oh, I love this one. Daryaye maasi tunukabi se hua khushk. Maasi is daryaye maasi, the river of sin.
दरियाए मासी तुनुकाबी से हुआ खुश्क, अरे मेरा सरे दामन भी अभी तर न हुआ था, जब तक के न देखा था कदे यार का आलम, मैं मौत कदे फितने महशर न हुआ था। तौफीक ब अंदाज़े हिम्मत है अजल से, अरे आंखों में है वो कतरा जो गौहर न हुआ था। If you didn't become the pearl in the mouth of the clam, now you have the chance of coming out of the eye of a lover. And how much more precious is a tear compared to a pearl? ये ना थी हमारी किस्मत के विसाल यार, होता ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार, होता अगर और जीत रहते यही इंतजार, होता अगर और जीत रहते यही इंतजार, होता ये न थी हमारी किस्मत, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे नीर नीम कश को, ये खलश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता, ये खलश कहाँ से होती जो जिगर के पास होता, ये न थी हमारी किस्मत, कहो किससे मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, कहो किससे मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, मैंने पूछे क्या बुरा तमर अगर एक बार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार, होता अगर और जीत रहते यही इंतजार, होता ये न थी हमारी किस्मत, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेसार, हम हैं मुश्ताक और वो बेसार, या इलाही
वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, जो नहीं जानते वफा क्या है, जान तुम पे निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दवा क्या है, दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। okay, मैं भी लखनऊ और अलीगढ़ का ही कॉम्बिनेशन हूँ। अच्छा, ये आपके लिए छोटी सी, आई होप यू लाइक इट, इट्स जस्ट, वी जस्ट मेड इट फॉर यू स्पेशली, keeping your choice in mind, so I hope you like it. So this is for you. And so let's have a picture. Which way? Hum pehle idhar ko Arman le rahe हज़रापा के दो फेवरेट गालिब के अशआर हैं। And there is a scarf. If you like, you can put it on. It matches your outfit. One, two, three. Thank you.